हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 4। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्मयं पुरुषो अश्नुते न च संन्यस्नादिव सिद्धिं समादिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो अर्जुन का विचार था इस युद्ध से अवकाश लिया जाए या फिर हमेशा के लिए अपनी जिम्मेदारियों से अवकाश ले लिया जाए। तो अर्जुन ने बुद्धि योग या फिर ज्ञान का साक्षात्कार इस दृष्टि से समझा कि क्यों घोर युद्ध में लगा जाए और उसके दुष्परिणामों को भोगा जाए। तो अर्जुन का विचार था कि अगर वो युद्ध से अवकाश ले लें तो फिर वो घोर कर्म करने से बच जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम अगर ये विचार कर रहे हो कि अपनी जिम्मेदारियों से बचकर भागने से तुम कोई कर्म नहीं करोगे तो तुम एक बहुत बड़े भ्रम में हो और निष्क्रियता तुम्हें घोर कर्म में लगा देगी, क्योंकि जिम्मेदारियों से बचकर भागने पर भी कर्मों की प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ जाएगा। एक व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ जिम्मेदारी है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि परिस्थितियां आने पर वो अपनी इस जिम्मेदारी का उपयोग करता हुआ यथा उचित कार्य उसके लिए करे, और अगर कोई प्रतिउत्तर वो ना दे तो ये एक बड़ी कठिनाई में भी डाल सकता है। जैसे जब दुशासन द्रौपदी के साथ अपमान कर रहे थे तो उस समय भीष्म और द्रोण ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और इसके कारण वो एक बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ गए और दोनों मारे गए महाभारत के युद्ध में। इसी प्रकार से परीक्षित महाराज को श्राप दिया था श्रृंगी ने, और श्रृंगी थे शमिक ऋषि के पुत्र। तो परीक्षित महाराज ने मरा हुआ सांप शमिक ऋषि के गले में डाला और श्रृंगी उनके पुत्र ने आकर देखा कि उनके पिता के गले में किसी ने मरा सांप डाल दिया, तो उन्होंने श्राप दे दिया 7 दिन 7 रातों में मृत्यु हो जाए। और शमिक ऋषि ने अपने पुत्र को डांटा नहीं, इतने छोटे से अपराध के पीछे किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया और यहां से ब्राह्मणों का पतन होना आरंभ हुआ। तो इसीलिए जब हम अपनी जिम्मेदारी से बचकर भागें तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये बहुत बड़े घोर कर्म में हमको लगा देगा। तो अपेक्षा की जाती है ऐसे व्यक्ति से जिसके पास जिम्मेदारी है कि वो उस जिम्मेदारी का यथाउचित उत्तर देगा, और अर्जुन से अपेक्षा की जाती थी कि वो युद्ध करेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि अर्जुन युद्ध से संन्यास लेना चाहते थे, अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते थे, पलायन करना चाहते थे। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म संन्यास। कर्म संन्यास का अर्थ है कि कर्म किया जाए लेकिन उसके फल से आसक्ति ना की जाए, ये संन्यास के बराबर है, और उस फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाए। तो इस प्रकार से इस अध्याय से ये एक नया विषय आरंभ हो रहा है जिसमें कि वास्तव में संन्यास वैराग्य है क्या ये समझाया जा रहा है। तो बिना शुद्धि के अगर कोई बाह्य रूप से वैराग्य या संन्यास की ओर प्रगति भी कर जाए तो ऐसा संन्यास वैराग्य अधिक दिन तक रुकेगा नहीं, क्योंकि अगर हृदय में संन्यास नहीं है तो बाह्य संन्यास ज़्यादा दिन तक रुकता नहीं। वास्तव में संन्यास तभी रह पाएगा जब हम हृदय से संन्यास ग्रहण कर लें। हृदय से संन्यास करने का अभिप्राय है कि जो आसक्तियाँ हमारे हृदय में स्थान बनाकर बैठी हैं उन आसक्तियों से हम मुंह मोड़ लें, कर्तव्यों से नहीं पर अनावश्यक आसक्तियां जो कि बंधन है। तो इसीलिए वैराग्य
पहले हृदय में होना चाहिए, बाद में बाहर। लेकिन यहाँ पर वर्तमान इस श्लोक की परिस्थिति में अर्जुन बाह्य वैराग्य स्वीकार करना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भागना चाहते हैं। तो कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ भी सन्यासी हो सकता है, अगर वो उसमें फल नहीं चाहता, उसमें बदले में कुछ पाना नहीं चाहता उस अपने कार्यों के बदले में, तो ये भी सन्यास के समान ही है। और ऐसा सन्यास ज़्यादा उपयोगी है कि जब आप विषयों के बीच में रहते हुए उससे अप्रभावित रह सकें। विषयों से दूर जाकर उससे अप्रभावित रहना तो थोड़ा आसान है, लेकिन विषयों के बीच में रहते हुए उससे अप्रभावित रहना इतना आसान नहीं है। इसलिए बिना शुद्धि के सन्यास में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। और भगवान कृष्ण अर्जुन को उनकी जिम्मेदारी को सामना करने का पाठ दे रहे हैं, जिम्मेदारियों से, कर्तव्यों से विमुख होने की शिक्षा भगवद्गीता नहीं देती।